हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मलाई बर्फी। ये भी बहुत इजी रेसिपी है, आप इजीली घर में बना सकती है। तो चलिए लेट्स चेक आउट द रेसिपी। इसके लिए हमें पहले एक फ्लैट बर्तन लेना पड़ेगा। आप कोई भी फ्लैट बर्तन ले लीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मलाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पर 500 ग्राम मलाई यूज कर रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूंगी। मैं यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिलाकर डो बनाएंगे। जरूरत होगा तो बीच बीच में इसमें हम लोग मैदा डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी मैदा डालेंगे। मैदा आपको जितना जरूरत होगी। हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी। जब तक ये रेस्ट हो रहा है, तब तक हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो चलिए शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 1 कप शुगर यूज कर रही हूँ। जितना शुगर आप डालेंगे उतना ही पानी देना पड़ेगा। तो बेस्ट मेजरमेंट होगा, आप जिस बाउल में शुगर डाल रही है उसी बाउल में पानी डाल दीजिए, तो उससे अच्छी तरफ से मेजरमेंट आपको पता चलेगा। अब हम इसको बॉयल होने देंगे जब तक ये शुगर मेल्ट ना हो जाए। तो लीजिए, हमारा शुगर मेल्ट हो चुका है। अब हम थोड़ी देर और इसको बॉयल करेंगे जब तक ये थोड़ा स्टिकी नहीं हो जाता है। चलिए चेक करते हैं स्टिकी हो नहीं। अभी तक ये स्टिकी नहीं हुआ है, तो जब ये स्टिकी सॉल्यूशन एक बन जाएगा तब हम इसको फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसमें थोड़ी सी सैफ्रन डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप फूड कलर भी यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। चलिए, हमारा डो बन चुका है। अब हम
इस साइड को फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस साइड को अच्छे से फोल्ड करेंगे। अब दोनों साइड को ऐसे फोल्ड कर दिया। अब हम ग्लूस लेंगे, ग्लूस लेकर इसको बना देंगे। इस तरफ से हम बाकी भी बना देते हैं। ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके बीच में हम लूप डाल देंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर फ्राई करने के लिए व्हाइट ऑयल यूज कर रही हूँ, आप देसी घी भी यूज कर सकते हो। तो चलिए, हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम धीरे धीरे हमारा बर्फी डालेंगे। हम शुगर सिरप में इसको रखेंगे, उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। अब हम बर्फी को सर्व करेंगे। तो लीजिए, हमारा बर्फी बिल्कुल तैयार है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस रेसिपी।